जय गो माता की सभी को। आज गोरक्षा दल संत टीम को अपने पंडित जी हैं दो बालाजी मंदिर के सोनलाल जी, उन्होंने फोन किया कि एक नंदी महाराज की जो भक्तन है वो इन पाइपों फंस गई है, तो गोरक्षा दल टीम मौके पहुंची, अब इसका रेस्क्यू करके इसको निकाल लेंगे बाहर। अगर कहीं पे आपको कोई जख्मी गौ माता या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में नंदी या कोई भी गौवंश मिले तो कृपया हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारे नंबर डिस्प्ले पे चल रहे हैं। जय गौ माता की सभी को। चलो जय गौ माता की। आज का ये दूसरा एक्सीडेंट केस है और इसको भी साइड में किया क्योंकि जेसीबी की सुविधा भी प्राप्त नहीं हो रही थी। रात के 12:30 बजे के टाइम में जेसीबी वाला नहीं मिला, तो इसलिए गौ माता को साइड में किया। सुबह इसका इसको मिट्टी दी जाएगी। तो भाई गाड़ी कृपया ध्यान से चलाएं, आज का दो केस हो चुके हैं एक्सीडेंटल, जिसमें एक बछड़ी तो बच गई, एक गौ माता जो अपने प्राण त्याग चुकी है। जय गौ माता की सभी को। भाई आज एक खबर आई थी, छोटी बछड़ी पहले तो किसी ने एक्सीडेंट करी, फिर इसके ऊपर कुत्ते लग रहे थे, तो सभी वहाँ जाता हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलावें, इनके अंदर भी जीव हुआ है, क्यों पाप के भागीदारी बनो। चल तो एक्सीडेंट हो जाए मानना, हाँ लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद संभालने की भी अपनी जिम्मेवारी होती है। ये नहीं है कि भाई फलाने गोरक्षा दल वाले हैं, फलाने सेवा करते सिर्फ उनकी, ये तो हिंदू का प्रत्येक का कर्तव्य बनता है गौ माता की सेवा करना। अब ये देखो छोटी बछड़ी है, भाई फोन ये देखो भाई, आपके एक्सीडेंट की वजह से कुत्तों ने और खा ली बेचारी, देख कितनी घायल हो रखी है। तो भाई थोड़ा ध्यान दो इस बात पे और इनकी सेवा। बछड़िया कुत्ते ने खा रखी थी, एक्सीडेंट हो रहा था इसका, एक तो जो बीट का लग गया, हर एक घबराहट वाले इंजेक्शन लग गया, दो इंजेक्शन दिए हैं 4-4 ml सवेरे से मेड़ दी।